हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है आग और बर्फ के परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आग और बर्फ की परी की कहानी। बहुत समय पहले पृथ्वी के जंगल में एक बहुत ही दयालु परी रहती थी। उस परी के पास एक खास तरह का जादुई लॉकेट था। इस वजह से परी के अंदर बहुत सारी अनोखिया शक्तियाँ थी। एक दिन परी जंगल के पास गांव से गुजर रही थी कि तभी वो देखती है गांव में चारों तरफ आग लगी है और सभी घर जल रहे हैं। गांव के लोग अपने घरों में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? बेचारे गांव वालों के घर जल रहे हैं, मुझे फौरन इनकी मदद करनी होगी। सुनो जादुई लॉकेट, तुम इसी वक्त यहाँ बर्फ की बारिश करवा दो। देखते ही देखते ढेर सारी बर्फ घरों के ऊपर गिरने लगती है और थोड़ी ही देर में गांव में लगी आग पूरी तरह शांत हो जाती है। ये देख सभी गांव वाले खुश होकर परी का धन्यवाद देने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, तुमने सही वक्त पर आकर हमारे घरों को बचाया है। तभी गांव वाले देखते हैं कि उनके घरों में रखा अनाज, पैसे, उनके कपड़े पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। ये देख गांव वाले दुखी होकर रोने लगते हैं। इस आग ने तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया, हमारा सब कुछ जल गया, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी सारी चीजों का इंतजाम कर देती हूँ। सुनो जादुई लॉकेट, जल्दी से गांव वालों के लिए खाने का इंतजाम करो। यहाँ एक जादुई चूल्हा, कढ़ाई और जादुई अनाज की बोरियां प्रकट कर दो। फिर अगले ही पल वहाँ एक बड़ा सा चूल्हा कढ़ाई के साथ प्रकट हो जाता है और चूल्हे में आग जलने लगती है और अपने आप अनाज कढ़ाई में जाकर पकने लगता है। ये जादुई चूल्हा और जादुई अनाज की बोरी है, इस चूल्हे की आग कभी बुझेगी नहीं और साथ ही इन बोरियों का अनाज भी कभी खत्म नहीं होगा। तुमने हमारे खाने पीने की समस्या खत्म कर दी है, लेकिन हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अगर तुम हमारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी परी। ठीक है, मैं अभी तुम सबके लिए कपड़ों का इंतजाम कर देती हूँ। सुनो जादुई लॉकेट, इन गांव वालों के लिए ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़ों का इंतजाम करो। परी के इतना कहते ही वहाँ चारों तरफ आसमान से ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े गिरने लगते हैं। ये देख गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं और अपने अपने पसंद के कपड़े उठाकर अपने पास रख लेते हैं। इस तरह गांव वालों की मदद करके परी को बहुत खुशी मिलती है। उसी गांव में बिरजू नाम का एक लालची जादूगर रहता था। परी का ये कारनामा देख वो परी को अपने वश में करने का प्लान बना लेता है। अगर किसी तरह मैं इस परी को अपने काबू में करके इसका लॉकेट छीन लूं तो इसकी सारी शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा और चारों तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। उसके बाद बिरजू जादूगर परी का पीछा करते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है। फिर अगले दिन बिरजू जादूगर गांव के कुछ बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर उन्हें परी के घर के पास वाले पेड़ पर उल्टा लटका देता है। सभी बच्चे घबराकर जोर जोर से रोने लगते हैं। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर परी दौड़ती हुई पेड़ की ओर जाने लगती है, लेकिन पेड़ के पास पहुंचते ही परी एक बड़े गड्ढे में जा गिरती है। ये देख बिरजू जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार तू मेरे जाल में फंसी गई, अब मैं तेरी ये लॉकेट छीन लूंगा। अरे बेवकूफ, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले परी कुछ कर पाती, बिरजू उस गड्ढे में बेहोश की दवा फेंक देता है, जिस वजह से परी उसी पल बेहोश हो जाती है। उसके बाद बिरजू उसके गले से जादुई तावीज निकालकर अपने गले में पहन लेता है। अब मैं सबसे पहले इस लॉकेट का इस्तेमाल इन बच्चों के ऊपर करूंगा। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें जलाकर राख करने वाला हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। सुनो जादुई तावीज, इन सभी बच्चों के ऊपर आग की बारिश करके इन्हें जलाकर राख कर दो। लेकिन उसी पल वो जादुई लॉकेट आग के गोले में बदल जाता है और बिरजू के शरीर में आग लग जाती है। और नहीं, ये लॉकेट तो आग के गोले में बदल गया, ये मुझे ही जलाकर मारना चाहता है, अरे कोई बचाओ मुझे।
बिरजू इधर उधर झटपटाकर भागने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जलकर पूरी तरह राख हो जाता है। उसके बाद वो लॉकेट हवा में उड़ता हुआ वापस परी के गले में पहुंच जाता है और परी होश में आ जाती है। फिर परी बच्चों को पेड़ से आजाद करके उन्हें वापस उनके घर भेज देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दुष्ट बिरजू जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों आगर बर्फ की परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और अपने स्वाद के लिए किया गया कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल फेरी टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।